पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कॉस्ट। पैकेजिंग कॉस्ट में है ना, आपकी जितनी अच्छी पैकेजिंग रहेगी उतना ज़्यादा आप कस्टमर को चार्ज भी कर सकते हो और उतने ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट भी होते हैं आपके प्रोडक्ट की तरफ, चाहे आप फ्रेश होस्ट मशरूम की पैकेजिंग कर रहे हो, ड्राई मशरूम की कर रहे हो, या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो तो उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हम फ्रेश होस्ट मशरूम एंड ड्राई मशरूम की पैकेजिंग की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम एक रुपये की पैकेजिंग तक होना चाहिए आपकी पैकेजिंग का कॉस्ट, या फिर बहुत अच्छी पैकेजिंग करते हो तो लगभग 5 रुपये तक, और बहुत अच्छी करते हो ना तो चीज़ें थोड़ी से बल्क में खरीदो। अगर आप प्लास्टिक पैकेजिंग करते हो ना तो वो लगभग 1-2 रुपए तक की उसकी पैकेजिंग हो जाएगी, लेकिन अगर कंटेनर पैकेजिंग भी करते हो ना तो कोशिश करो कि 5-6 रुपए से ज्यादा एक पैकेट की पैकेजिंग की कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। रिकरिंग इन्वेस्टमेंट में 11वीं इन्वेस्टमेंट है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। अगर आप थोड़े से बड़े पैमाने पर सोच रहे हो, बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज को आप इंप्लीमेंट कर सको। ज़्यादातर होस्ट मशरूम कल्टीवेटर इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कभी मार्केटिंग करते ही नहीं है, और उनका रोना ये होता है कि बेचा ही नहीं जाता। कैसे बेचा जाएगा जब आपने मार्केटिंग करी ही नहीं, जब आपने लोगों को बताया ही नहीं आपके एरिया के कि आप ओस्टर मशरूम का कल्टीवेशन करते हो, मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन करते हो, तो आपका मशरूम बेचा कैसे जाएगा। तो मार्केटिंग कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जो हर एक बिजनेस में होती है। कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेस पकड़ लो, उसमें मार्केटिंग की कॉस्ट अलग से होती है। अब आपके मार्केटिंग की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ये कोई नहीं डिफाइन कर सकता, बस आप डिफाइन कर सकते हो। बट एक एवरेज अगर आप समझ के चलते हो ना, शुरुआत में भी, अभी के स्टेज में भी, अगर आप मंथली कम से कम 10,000 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके ओस्टर मशरूम बिजनेस से, तो कम से कम 1,000 रुपए की आपकी मार्केटिंग कॉस्ट होनी चाहिए। 1,000 रुपए की अगर आप मार्केटिंग कॉस्ट कर रहे हो, कैसे मार्केटिंग करोगे, क्या मार्केटिंग करोगे? आप पैम्पलेट्स बनाओ, आप विजिटिंग कार्ड बनाओ, लोगों से जाके बात करो, पार्ट टाइम ऐसे आप लोग रख सकते हो जो आपके पैम्पलेट्स बांट सके, लोगों को बता सके। आप भी खुद ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो, वीडियोज तो आप आसानी से बना सकते हो, एक इमेजेस बना सकते हो जो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, हर चीज पे आप मार्केटिंग कर सकते हो, लोगों को अवेयर करा सकते हो। मार्केटिंग करने से क्या होता है, आपके एरिया के लोग टारगेट करो, प्रॉपर टारगेटिंग बहुत जरूरी है मार्केटिंग में, कि किनको टारगेट कर रहे हो, और अगर सही तरीके की मार्केटिंग होती है और जो टारगेटेड कस्टमर को अगर पता चलता है कि भाई आपके उनके एरिया में उनको ओस्टर मशरूम मिल सकता है, तो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यह बहुत बेसिक और पहली स्टेज होती है सेलिंग की, कि मार्केटिंग अगर करोगे तो थोड़ा बहुत सेल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केटिंग ही नहीं करोगे, ज़्यादातर लोग मार्केटिंग कॉस्ट उनकी कुछ भी नहीं होती है, 0 मार्केटिंग कॉस्ट होती है, सेलिंग कहाँ से और कैसे होगी? तो कम से कम 1,000 रुपये की मार्केटिंग कॉस्ट साइड में निकाल के रखो और मार्केटिंग करना स्टार्ट।